तो आज का वीडियो हमारा बेसिकली प्रॉमिस के ऊपर है, जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस के बारे में। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो तुम जैसे कि देख पा रहे हो, एक मैंने वेरिएबल बनाया 15 नाम का। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, प्रॉमिस को कॉल कर रहा हूँ, किसके साथ, रिजॉल्व मेथड के साथ कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें वैल्यू मैं क्या पास कर रहा हूँ, 15। तो प्रॉमिसेस बेसिकली व्हाट दे आर, दे कैन डू टू टाइप ऑफ थिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। दे कैन आइदर रिजॉल्व योर रिक्वेस्ट और दे कैन रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट। सो दो चीज़ कर सकते हैं, आइदर रिजेक्ट कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर रिजॉल्व करते हैं और रिजेक्ट करते हैं तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इसमें देखेंगे। तो रिजॉल्व मैंने कॉल किया वैल्यू 15 के साथ। तो मैंने रिजॉल्व कॉल किया, आई हैव कॉल्ड रिजॉल्व्ड विद द वैल्यू 15 इन इट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, रिजॉल्व कॉल करेगा 15 वैल्यू के साथ। तो मैंने एक, तुम जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पे, कॉल बैक फंक्शन भी इसे अटैच किया है डॉट देन के मेथड से। अगर ये वैल्यू जो है, प्रॉमिस जो है, रिजॉल्व हो जा रहा है, इफ़ दिस प्रॉमिस गेट्स रिजॉल्व्ड, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दिस कॉल बैक फंक्शन इज कॉल्ड। तो जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, डॉट देन के साथ मैंने जो अटैच किया हुआ है वो कॉल होता है, दैट विल बी कॉल्ड एंड विल बी गिवन अ वैल्यू ऑफ 15, बिकॉज आई हैव प्रोवाइडेड अ वैल्यू 15 इन इट। तो मैंने 15 प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू हमको 15 मिलेगा। तो मैंने एक सिंपल सा कंसोल लॉग लगा रखा है, तो आई हैव जस्ट पुट इन अ सिंपल कंसोल लॉग विच व्हेन द प्रॉमिस गेट्स रिजॉल्व दैट विल प्रिंट 15 ऑन द स्क्रीन। सो प्रॉमिसेस मे बी रिजॉल्व्ड और रिजेक्टेड। सो आई हैव ओनली एक्सप्लेन्ड how it will be handled when it is resolved. So I have called resolve method and passed in value 15. तो मैंने 15 pass किया हुआ है। तो reject मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, तो मैं just explain कर देता हूँ। जब अगर कोई भी तरीके से ये reject हो जा रहा है तो हम इस error को catch कर लेंगे और क्या करेंगे ना, उस error को हम अपने console पे print कर देंगे। तो तुम dot then और dot catch की मदद से reject और resolve को solve कर सकते हो और JavaScript में promises के साथ work कर सकते हो। तो तुम्हारा जो प्रॉमिसेस है वो आइदर रिजॉल्व हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिसेस के साथ वर्क करते हैं।